नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी के समझ की सीढ़ी प्लेलिस्ट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डीआरओ डीए की जो अभिवृद्धि को लेकर के। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है और बहुत ही बहुप्रतीक्षित न्यूज है कि केंद्र की कैबिनेट ने जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए की वृद्धि को बढ़ाकर 17% से 28% कर दिया है। और इसके संदर्भ में ये बात जो है महत्वपूर्ण थी, लेकिन सभी लोगों के पास यह आग की तरह से जो है पहुंच गई है, इसलिए यह एक सामान्य बात हो गई है। लेकिन हम इसके बाद कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो डीए से संबंधित और सभी लोगों के लिए जो जानकारी होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसके अंतर्गत जो निहित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं और तथ्यों का भी विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपको डीए और डीआर में अंतर की जानकारी होना चाहिए। क्या डीए और डीआर अलग अलग है या एक ही है? यदि अलग अलग है तो इसके क्या मायने हैं? डीआर और डीए दोनों निश्चित तौर पर अलग अलग अवधारणा है। डीएरनेस अलाउंसेज होता है और दूसरा है डीआर यानी कि डीएरनेस रिलीफ। तो जो कर्मचारी वर्तमान समय में कार्यरत हैं विभिन्न सेवाओं में, उनके लिए जो है सरकार डीए की घोषणा करती है। लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पेंशनर हैं, जो रिटायर हो चुके हैं और आज की डेट में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए सरकार जो है डीएरनेस रिलीफ की बात करती है। इसीलिए हमेशा जो भी अनाउंसमेंट होते हैं उसमें डीआर और डीए यानी कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बात की जाती है, लेकिन सामान्यतया लोग दोनों के लिए ही डीए की बात करते हैं, जो कि गलत है। अर्थात ये बात जानकारी में होना आवश्यक है कि दोनों के लिए अलग अलग चीजों की घोषणा की जाती है, एक बात। और दूसरी बात हम ये यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे कि आपको यहाँ पे 28% जो डीए की बात की गई है उसे 1 जुलाई 2021 से दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझना आवश्यक है कि क्या 1 जुलाई 2021 को आपका डीए 28% है? नहीं, आपका डीए 28% 1 जुलाई 2021 से नहीं, बल्कि 1 जनवरी 2021 से है। यहां पर यह समझना होगा कि 1 जनवरी 2021 से आपका डीए जो है वो 28% हो गया है, लेकिन ये 6 माह बाद आपको दिया जा रहा है 1/7/2021 से, 1/7/2021 से दिया जा रहा है। यहां पर इस फैक्ट को समझना आवश्यक है कि जो आपका डीए है उसकी जो प्रभावी तिथि है वो 1/1/21 से है और इसे दिया जा रहा है 1/7/21 से। अर्थात आज की डेट में आपका डीए जो है वो 28 से ज्यादा है, परंतु इसकी घोषणा वो अक्टूबर और नवंबर में चल करके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो बनी हुई और निर्धारित और निश्चित की गई महंगाई के अनुपात में किया जाता है। ऐसे कर्मचारी जो पुराने हैं और पुराने समय में जब महंगाई भत्ता बढ़ रहा था तो उनको ये जानकारी होगी कि जनवरी का जो है मार्च अप्रैल में और जुलाई का जो महंगाई भत्ता होता है उसे अक्टूबर नवंबर में देने की बात सरकार कहती है और उसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि भूतलक्षी प्रभाव यानी कि पीछे की तिथि से उसको लागू किया जाता है। तो यहाँ पे ये जानकारी होना चाहिए कि 1/7/21 को आपका डीए 28% नहीं है, बल्कि यह 1/1/21 से ही हो गया था और 1/7/21 को जो आपका डीए होगा वो अभी तक का जो ट्रेंड है विभिन्न प्रकार के एजेंसियों की जो घोषणाएं हैं उसमें लगभग 4% तक का बढ़ना लगभग तय बताया जा रहा है, यानी कि 1/7/21 को आपका डीए लगभग 32% होगा जो कि आपको दिया जाएगा अक्टूबर और नवंबर की घोषणा के साथ, और यह पुनः जो है पीछे की तिथि 1/7/21 से दिया जाएगा। तो ये बातें आपको जो डीए के संदर्भ में क्लियर हुई होंगी, क्योंकि कई लोगों के द्वारा इस तरीके के सवाल पूछे गए थे तो इसको यहाँ पे स्पष्ट करना आवश्यक था। तो निश्चित तौर पर ये बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पर समझने लायक है कि महंगाई भत्ते में जो ये प्रतिशत वृद्धि होती है वो किस आधार पर दी जाती है। जैसे किसी को अगर 28% दिया जा रहा है तो अब ये अगली बार जब घोषित होगा तो ये 3-4% की बढ़ी हुई दरों पर घोषित होगा, तो ये किस आधार पर होता है। अब इसको समझने के लिए हम दो और महत्वपूर्ण जो है अवधारणाओं से जो है परिचित होंगे। इसे भी जो थोड़ा सा जो है यहां पे समझने की जरूरत है। एक है महंगाई, एक है महंगाई भत्ता। महंगाई भी दो प्रकार की होती है, एक जो है खुदरा होती है
और दूसरा जो है वो थोक, खुदरा को ही रिटेल कहा जाता है, खुदरा महंगाई और थोक महंगाई। थोक महंगाई से यहां पे अभी थोड़ा सा समझने की, इसको अलग करके देखने की जरूरत है, क्योंकि यह जो है व्यापार और वाणिज्य तथा बड़े बड़े जो है औद्योगिक घरानों से संबंधित जो है ये कांसेप्ट है। तो हम यहां पर चूंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की चर्चा करने वाले हैं और डीए और डीआर के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं, तो हम इसे अभी यहां पर रोक करके हम खुदरा पर जोर देते हैं, खुदरा को समझने का प्रयास करते हैं। खुदरा महंगाई या रिटेल जो है क्या है जो है डीएनएस, तो खुदरा महंगाई जो आम ग्राहकों के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर व्यय की जाती है अतिरिक्त धनराशि, उसी को ही जो है खुदरा महंगाई कहा जाता है। और उन वस्तुओं को जो कि व्यक्ति के जीवन यापन के लिए जरूरी होता है और समय समय पर उसमें कुछ और जरूरी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, उससे बनी हुई जो सूची होती है, उन सूची के मूल्यों में जो वृद्धि होती है, वही क्या कहलाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो खुदरा जो है महंगाई से या रिटेल से जो है संबंधित होता है, यानी कि आम नागरिकों के द्वारा जो अपने जरूरत की वस्तुएं होती हैं उन पर जो महंगाई के कारण से अतिरिक्त धनराशि व्यय करना होता है वो खुदरा महंगाई होती है। और उन्हीं आम लोगों की आवश्यक जरूरतों के लिए बनाई गई वस्तुओं की सूची पर ही जो है आधारित आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनता है, और इन्हीं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर आपके जो है डीए का जो है और डीआर का जो है वो निर्धारण किया जाता है। इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो भी वस्तुएं शामिल है उन वस्तुओं के मूल्य में जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है उतने ही प्रतिशत की वृद्धि आपके डीए और डीआर में कर दिया जाता है। यहां पर महंगाई भत्ते भी दो प्रकार के होंगे, एक जो है इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंसेस, यानी कि इसको आप आईडीए कह सकते हैं, और एक होता है वेरिएबल डीए, वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस। तो इंडस्ट्रियल जो है यह प्रति तीन तीन महीने के अंतर पर दिया जाता है केंद्र सरकार के जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को, और बीडीए जो होता है ये जो है सरकारी आम सरकारी कर्मचारियों के लिए छह छह महीने के जो है अंतर पर इसको घोषित किया जाता है। इसीलिए जो है हर वर्ष जो है जनवरी और जुलाई के माह में सरकार के द्वारा कैलकुलेट करके विभिन्न प्रकार के डेटा को आधार बनाते हुए आपको महंगाई भत्ते की घोषणा की जाती है, और प्रत्येक जो है छह माह के बाद दो स्लॉट बनाए गए हैं आपके इंक्रीमेंट के लिए, जो कि आपकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर प्रभावी होता है। और इसके लिए जो है कर्मचारियों की सुविधा के अनुसार जो है जनवरी और जुलाई दोनों बनाया गया है, कि दोनों में से जब भी किसी तिथि पर किसी जो है कर्मचारी की नियुक्ति से छह माह हो जाती है तो उस पर इंक्रीमेंट दिया जाता है, यानी कि साल में प्रत्येक व्यक्ति का वेतन जो है तीन बार वृद्धि होता है, दो बार डीए के कारण से और एक बार जो है उसके वेतन वृद्धि के कारण से। तो आपको ये चीजें जो है समझ में आ गई होंगी कि डीए और डीआर के बढ़ने का कांसेप्ट क्या होता है। महंगाई दो प्रकार की होती है और उसी के आधार पर महंगाई भत्ते दो प्रकार के होते हैं, और वेरिएबल डीए जो है वही आम कर्मचारियों से संबंधित जो है महंगाई के आधार पर जो वेतन बढ़ने से संबंधित जो कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, और आईडीए इंडस्ट्रियल डीए ये दो एक चीज जो है वो औद्योगिक क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है जो केंद्र सरकार के द्वारा तीन तीन माह पे दिया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात ये दोनों ही जो है आपके सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर दी जाती है। इन सूचकांक में जितनी वृद्धि होती है उतना डीए और डीआर दे दिया जाता है, और इसमें कैसे पता चलता है कि कितनी वृद्धि है, यह उसमें शामिल वस्तुओं के पिछले एक निश्चित समय में बढ़ी हुई प्रतिशत जो है वृद्धि के आधार पर निश्चित की जाती है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डीए और डीआर के बीच में डिफरेंस 28% डीए की जो है कब से वृद्धि हो रही इसके बारे में, और इन डीए और डीआर का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। उम्मीद करता हूं कि डीए और डीआर को लेकर के जो भी आपके मन में सवाल होंगे, जो भी और लोगों ने जो मेरे पर क्वेश्चन पूछे थे वो आपके जो है क्लियर हो गए होंगे। पुनः इसी तरीके के जो वीडियो हम अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे, और आप अगर चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली चैनल से जुड़ने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को डेफिनेटली जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके से जो वीडियो आप लोगों के जो है ज्ञानवर्धक आगे के समय में जो मिलते रहेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना है, पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।